भैया। हाँ कहा ना, कोनो जुगाड़ उगाड़ भइल कि नहीं भइल? क्या बताएं यार, बाजार बड़ा मंदी बा, कोनो जुगाड़ नहीं हो पाई। भैया तनिको जुगाड़ नहीं भइल, तोहरिए भरोसे रहनी भैया, बहुत उम्मीद रहले तुमसे। बहुत दिक्कत बा, हमरे हिसाब से यहाँ रोहर ना जाके सीधा बैंक में जा, कि तो कोनो सहकारी में जा, और कोनो उपाय नहीं बा। भैया बैंक को ले मामला में परहेज नहीं चाहत ना को, जेकर लगे कोनो बढ़न संपत्ति नहीं बा, आय स्रोत नहीं बा, बैंक को लोगों पर विश्वास नहीं करी है। बतिया तो सही है, हम खुदे परेशान बड़ी, हमसे कोनो उम्मीद न रखी है। कहाँ गए रहले रे, इतना भी नहीं है से। नंदू भैया लगे का भाई, कतना नहीं हो पाई जो और नंदू भैया, नंदू भैया कर जब बुलावे ने तब दौड़ के जाने। आज परेशानी बात कौन ही दोस्त काम नहीं आई। तो काम में नहीं आओ ना तो हम का करी, का करबे जो घूम, दो चार पैसा के काम हमरा तो से तो होत नहीं बा। तोर समुरिया के लेका सब कमाते कहाँ से कहाँ पुग गई, आ ते बाटे की उल्टे पैसा डुबावत जात बाटे। लोग के बेटा जवान हो खेला तो सुख मिलेला, एगो हमार बेटा बा कि आज एको रुपया कमा के ना देलस। कुछ आराम बुझाता अम्मा से बात भाई? अभी ना भेल बा, सही समय आई तो अम्मा से बात कर लिया। पैसा के खातिर यहाँ से वहाँ दौड़ धूप होता, घर में इतना परेशानी बा। हमरे बारे में बात करे खातिर यहू से कौनो दूसरा सही समय आई? तो क्या लगता है यार, हमके तोहर बतिया समझ में नहीं आता। जैसे इतना दिन सबर कर लू, कुछ दिन और रुका, समय बैठ के बात कीजिए, ठीक है? मिस नमस्ते। नमस्कार मनोहर जी, बैठल जा। कहल जा का हाल चाल बा? हाल चाल तो ठीक है बा मिस, वह लोनवा पास हो पाई कि नहीं हो पाई कल रही आज पता चली। हाँ हाँ, दो दिन पहले बोर्ड के मीटिंग बैठल रहल, आ आपके सदस्यता ले हले एक साल भी नहीं बीतल बा। आ संस्था के नियम बा, जब ले सदस्यता ले हाल एक साल भी नहीं बीती तब ले कोनो भी प्रकार के लोन पास नहीं हो पाई। मिस आपके तो पता बा हमके पैसा कितना जरूरी बा, अगर पैसा के जुगाड़ नहीं हो पाई तो हमारे घर खेत सब नीलाम हो जाए। मिस हम आपके बात बूझ सकते नहीं मनोहर जी, लेकिन ऐसे पहले भी आपके निवेदन 3 बार रिजेक्ट हो चुकल बा, हमरे हिसाब से कोनो संभावना नहीं बा, माफ कर दे। मिस प्लीज ये तो नहीं कहल जाए, मिस एक बेर प्रयास कर लेना। मनोहर जी प्लीज, हमके और भी बहुत सारा काम बा। अंकल नमस्ते। हाँ अंकल, हम पैसे के जुगाड़ में लगल बनी। अरे नहीं अंकल, घर में पुलिस लेके अले कौन जरूरी हो? नहीं अंकल नहीं, ताला का फायदा अंकल, घर में ताला मन ले कौन फायदा। अरे ठीक बा अंकल, हम भी सुख, हाँ 10-20 हज़ार रुपया भी हम कैसे जुगाड़ कर दे। हाँ ठीक, नहीं नहीं कल घरे नहीं आएक पड़ी।
हम पुगा देब अंकल। ई परेशानी या लाचारी अब हमसे नहीं देखल जाता। अब हमू काम कर जैसे हम बिया से पहले करत रहनी। ए तरह घर में घूंघट कार के बैठे नहीं आयल बनी। हाथ में MBS के डिग्री बा। कौनो ऑफिस ज्वाइन करब तो 40-50 हज़ार के महीना घर में आई। हमू ए घर के सदस्य है। ई घर संभारे के जिम्मेवारी हमारियो हवे। ठीक बा तू काम करो। ओके जौन इच्छा बा तौन काम करो। हमके तोहर काम के लिए से कौनो समस्या नहीं बा। अच्छा अब घर के दुल्हन जई है काम करे आ घर के मरद लोग सुई भंजे बैठल रह। अम्मा घर में केहू बैठल नहीं रही। सब केहू अपने अपने क्षमता के हिसाब से काम करी। अभी पढ़ल लिखल बाटे ते के घर में कैद करके रखे के नहीं ना भइल। देखा तो घर में कितना कर्जा बाटे। अच्छा बा बेटा कमाल के निहाल कई दे दे पुतो कमा के घर के कर्जा भरी। वाह का भइल रे काहे हल्ला कइले बाड़े सतवानी। बाबूजी तू ही बताओ ई घर के पतो इवत के काम नहीं करे के मिली। ए तरह तो दुनिया में कौन औरत कामे नहीं कही पाई। घर के बेटा आवे तो सारा जिम्मेवारी ओकरिया मुड़ी पे लाद दो। सारा बोझा ओकरिया मुड़ी पे लाद दो। बेटी पतो घर में पढ़ल लिखल बाना कुल सक्षम बाना कुल फिर भी काम करे नहीं मिली। ई बेटा आ पतो पर अत्याचार हवे कि नहीं हवे। हमरे ख्याल से बेटा बेटी आ पतो में कौनो अंतर नहीं बा। बेटा काम कर सकता बेटी काम कर सकती है तो पतो के भी काम करे के पूरा हक आ जिम्मेवारी दोनों बा। हाँ सुधीर के मेहरारू जे काम करे देले लोग काम करते करते कौने के चक्कर में फंस गई। ओकर घर बर्बाद हो गई। आ नारद की बेटी ऑफिस में काम करते करते उड़ गई। ये ऑफिस में काम करे लड़की पर हमरा तनको भरोसा नहीं बा। अरे भाई वाला लोग कहीं से भी भाग सकेला। दूसर कौन ऐसा कैलेस कह के घर के आदमी पर अत्याचार कर ठीक नहीं बा। इतना लोग सही सलामत से काम करते बाना सब। आ गाँव समाज में लोग का कही बा बेटा पड़ल बने घर में आ पुतौ जाती है कमाए। अरे लोग हमेशा कुछ न कुछ तो कहबे करे। अरे हमन के घर के स्थिति देख के आखिर हंसते तो मानस हम जे परेशानी में सहयोग करे ना आई बा ओकनी के हंसले के मतलब कैले कमन जरूरी बा। हमरे घर के पतो घर के चौकट लांग के बहरे काम करे ना जाई। बस ठीक बा हम घर से बहरे ना जाए। सुना ई तू का कहतलु घर से बहरे ना जेबो तो काम कैसे करबो। हम घर ही में पढ़ाई ट्यूशन क्लास पढ़ाई ओकरे खर्तिन गांव भर में घरे घरे जाके अभिभावक सबसे बात करे के पड़ी आ विद्यार्थी सबके बुलावे के पड़ी। ठीक बा हमरे तरफ से जवन जी हो पाई हम सब कुछ करब। अरे इतना सहयोग तो हम कहिए सकत बानी। 15 विद्यार्थी लेवल जिम्मा हमार है जेके जवन मन में पौन कर। हम पहले तरह होम ट्यूशन भी पढ़ा चुकल बानी। हो सकेला शुरू शुरू में विद्यार्थी कम आवे लेकिन धीरे धीरे जुड़ जाई है। आ हमके एगो व्हाइट बोर्ड और मार्कर भी चाहिए। ठीक बा हो जाए। और कुछ जौन जौन क्लास के विद्यार्थी सब पढ़े आई हैं उ सब कक्षा के किताब सब चाहिए। गांव भर में ई ट्यूशन के बारे में पेम्पलेट सटा जाए तो विद्यार्थी सब जल्दी जुड़ जाई हैं। ठीक बा ध्यान रखले सब हो जाए। हमसे कुछ और होखे वाला हुई तो बताइए।
हेलो अंकल नमस्ते। हाँ अंकल, आज हम 15,000 रुपये लेके आओ तनी, बताओ जा कहाँ आई या कब आई। ना अंकल, 4 बजे के बाद तो हम बहुत बिजी बानी, ओकर बाद नहीं हो पाई, उसे पहले बताओ जा। अच्छा हाँ ठीक है, दो बजे हो जाए। हाँ ठीक है, ल ठीक अंकल, ल ल ल अगर यही तरीके से पैसा उठी तो अगला महीना में गुप्ता अंकल के कर्जा क्लियर हो जाए, ओकरे अगला 6-7 महीना में बैंक के कर्जा भी चुकता हो जाए। हम जब से नहीं तब्बे से कहता नहीं कि हमके काम करे के बाद। अरे वो अम्मा बात नहीं बुझे ले ना, हम तो बहुत पहले से कहत रही कि हमके विदेश उदेश नहीं जाए बा, हम ही कोनो बिजनेस व्यापार कर, लेकिन नहीं विदेश जो जो करके हमारे जान खा रहा है। अब उतना कर्जा लिया के विदेश जाके खरतीन हम पैसा लेके नहीं एजेंट के देनी, सब खा के पचा गए सारा कर्जा हमरे माथे। लोग बेटा के ब्याह करेला दहेज में पैसा लेला कि घर जा कर्जा खर्चा चलाई, लेकिन एक और ये जिद के चलते बिना दहेज के ब्याह हो गई और घर में कर्जा और बढ़ गई। अरे घर में इतना काबिल पतो आई लिया एक रह के दहेज को नर के बारे। देखिए 2 साल के अंदर दहेज के 4 गुना कमा के दी, चिंता न कर। हाँ वह ना बा, लास्ट शर्म भोर के पी ले, मेरे से कमाई घर में बैठे खो। देख सोच तो ऐसा बा, हमार मेहनत लगते नहीं आएगी। अब्बे को बोल्डर धा के दिन भर दुआरों पर फुरत रहे तब तो के लगी काम करते नहीं। सर यू एक चुट्टी हेरनुस। सूरज राजभर 20 मार्च 2018, संध्या गुप्ता 20 मार्च 2019, सूरज मौर्य 20 मार्च 2018। यू कक्षा 7 को टेस्ट कॉपी हो सर, जुन विद्यार्थी मैथ में मुश्किल पास होते उन्हें आज लगभग फुल में फुल मार्क्स लिया। मतलब सर इनीहरूले एकजना सोना मैम बने शिक्षक संग 1 महीना ट्यूशन लिया थे, यो त्यसैको नतिजा हो सर। सर हमी पनि 2-3 महिनादेखि मैथ टीचर को खोजी में छम, सोना मैम भन्दा बेटर कोई हुन सक्दैन सर। लखन जी तपाईको मुखबाट कुनै शिक्षक को लागि यस्तो तारीफ मलाई त पत्याउनै गाह्रो भयो। हजुर सर, म उहाँको ट्यालेन्टबाट एकदमै प्रभावित भइसकेको छु सर। वाओ, त्यसो भए उहाँको बारेमा पत्ता लगाउनुस्, उहाँको घर कहाँ छ र अहिले उहाँ कहाँ पढाइराख्नु भएको छ। पत्ता लगाइसके सर, उहाँ कहीँ पनि पढाउनु भएको छैन, भर्खरै 8-9 महिना भयो नजिकैको गाउँमा बिहे गरेर आउनु भएको हो। किन नपढाउनु भएको त? सासुले गर्दा सर, बुहारीले घरभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नदिने रे। ल भन्नुहोस् कहिले जाने त उहाँलाई भेट्न? सर त्यहाँ अरू स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि पढ्छन्, हामी छिटै जानुपर्छ, नै त अरू स्कुलले हामीभन्दा पहिले अप्रोच गरे भने हाम्रो हातबाट एउटा ट्यालेन्टेड टिचर मिस हुन्छ, उहाँलाई बढी सेलरी अफर गरेर भए पनि हाम्रै स्कुलमा ल्याउँ सर। त्यसो भए आधै जाउँ न त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क्स टु यु अल्सो सर। अनि सुन्नुहोस् त, एउटा एग्रिमेन्ट पेपर पनि प्रिन्ट गर्नु होला। हुन्छ सर। पानी लियावा हो हेड सर आयल वानी। अरे सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, पानी वानी के कौन जरूरत नहीं बा। सोना मैम आफै ओखल जाला जी सर। बहुत खुशी भइल आपसे मिलके, टेस्ट में आपके पढ़ावल सभी विद्यार्थी का नतीजा बहुत अच्छा आयल बा। चाची जी आपके पता नहीं बा कि आप अपने घर में कितना होनहार टैलेंटेड शिक्षक के घर के चौखट के भीतर कैद करके रखले बानी जा। हम आज आप लोगन के बीच में सोना मैम के हमरे स्कूल में पढ़ावे के प्रस्ताव लेके आयल बानी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी का बात बा। जी बिल्कुल,
आप लोगन के खर्तीन और हमनियों के खर्तीन ई गर्व खुशी के बात बाके हमन लोग के बीच सोना मैम के जैसन होनहार शिक्षक उपस्थित बाने। चाची जी, आपके पतोहो एगो महिला भइले के कारण से आप उनका रास्ता रोकल जाए तो समाज कैसे आगे बढ़े? सब केहू यही तरह से महिला के काम करे से रोकल जाए तो समाज की हालत का हुई? हमहू आज पढ़ल लिखल रहती शायद हमार परिवार के अवस्था कुछ और रहत। हमहू के गर्व लगता कि हमार पतोह इतना काबिल बा। अगर हमार पतोह की पढ़वले से समाज में सुधार हुई, हमार परिवार के समस्या और आ जाई, इससे खुशी के बात का हो सकेला। हम बहुत शर्मिंदा बनी कि इतना छोट सोच ले के जियत रहनी हूँ। अब हमके सब साफ साफ नजर आ गई। आज से हमार पतोह घर के बाहर काम करी आ घर के जिम्मेवारी उठाई। धन्यवाद चाची। सोना मैम, ई रहल आपके एक महीना की एडवांस सैलरी और ई रहल एक महीना। ढेर सर, हम आपके प्रति बहुत आभारी बानी। पैस की आपके चलते हमारे परिवार आज खुशहाली में।